हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। वेलकम बैक टू द चैनल। तो यार इस वीडियो में हम लोग अनबॉक्स करेंगे सर्प सत्तर, नागपरले और आदि पर्व को। तो यार तीन कॉमिक्स है, तीनों में नागराज ही मिलेगा आपको देखने को। नागराज तो बहुत फेमस चल रहा है और पहले भी था। तो मैं बता दूं कि आदि पर्व में जो है वो नरकनाशक नागराज है, तो उसको क्लासिक नागराज वगैरह, वो मतलब तो हर चार टाइम लाइन थे नागराज के। जैसे तुम लोगों को पता था नरकनाशक, आतंकहर्ता क्लासिक, एंड फोर्थ वन इज कौन सा था वो, विश्वरक्षक। तो अभी आतंकहर्ता मर चुका है, उसको लास्ट कॉमिक का उसका जो नाम था उसको वही मिल गई है, मतलब क्या नाम था याद नहीं मुझे अच्छे से। और अभी तो आतंकहर्ता का सेट भी आया था लाइन बाई लाइन, तो उसका सी वगैरह भी आने वाला है, तो तुम लोग वेट करके ले सकते हो अगर तुम लोगों ने पेपर बैक नहीं लिया। तो इसमें विश्वरक्षक नागराज आदि पर, सॉरी गलती हो गई, विश्वरक्षक नागराज है सर्प सत्र में, एंड क्लासिक नागराज है नागपरले में अपना, एंड नरकनाशक नागराज आदि पर में। तो यहाँ पे चलो अब अनबॉक्स कर दिया। मेरा बिल वगैरह देख सकते हो, ऊपर में नेम वगैरह है, ट्रैकिंग आईडी है और एक्सप्रेस वी से मिला है, तो मैं बहुत खुश हूँ। एंड यहाँ पे अगर बात करें कि जो कॉमिक्स है तीन हमारी, आदि पर्व, नागपरले, सर्पसत्र, तो इसमें आपको आदि पर्व में तौसी शायद नहीं है और सर्पसत्र और नागपरले दोनों में तौसी है। तो भैया मतलब विश्वरक्षक से लड़वा दिया है और क्लासिक से लड़वा दिया है, हो सकता है अपकमिंग समय में नरकनाशक से भी लड़वा दिया जाए तौसी को। तो मतलब तौसी भी मुझे अच्छा लग रहा है, क्योंकि जो उसके पावर्स है वगैरह, जैसा दिखाया जा रहा है कॉमिक्स में कि तौसी के पास बहुत ज़्यादा पावर है, मतलब नागराज उसके सामने कुछ नहीं है, मतलब ऐसा बताया जा रहा है। मुझे पता नहीं चल रहा कि ऐसा क्यों है, कैसे है, पता नहीं। अब आते हैं बबल रैप वगैरह है अपना, दिख सकता है बबल रैप उनको दिख रहा है। और मैं बताता हूँ कॉमिक्स पढ़ के मज़ा आए ना आए दोस्तों, बबल रैप फोड़ के मज़ा आएगा हमें, क्योंकि बहुत जगह मैंने बहुत सा कॉमिक्स की बुरी रिव्यू देखी यार, अच्छा नहीं था ये वो, तो पढ़ के वो मज़ा ना आए ना आए वो अफसोस की बात, लेकिन बबल फोड़ के हम मज़ा लेंगे, सब मज़ा इसी से लेंगे। एक दिन का मेरा बबल हो जाएगा ये। बस एक बार मुझे याद है कि मेरे घर में आया था चिमनी किचन में सेट होने के लिए, तो उसमें बहुत सारा बबल रैप था, मैंने उसको ना 2 महीने तक फोड़ा था मज़े से, बहुत मज़ा आया था। फिर मन तो कर रहा चिमनी फोड़ दूँ, तो फिर से चिमनी आए और फिर बबल रैप आए, लेकिन चिमनी फोड़ने की हिम्मत नहीं है मेरे में दोस्तों, चिमनी फोड़ने के बाद मुझे फोड़ दिया जाएगा। तो अब आते हैं कॉमिक्स पर। कॉमिक्स के साथ स्टिकर्स, इतने बड़े बड़े स्टिकर देख के तो मन बहुत खुश हो रहा है कि इतने बड़े बड़े स्टिकर्स मिले, लेकिन चिपकाऊंगा कहाँ, बुक पे चिपकाऊंगा तो 6 महीने साल भर उसका कोई यूज़ नहीं होगा, तो मैं कहूँगा वो वेस्ट हुआ एक टाइप में। और अगर मैं उसको दीवार या बाइक या कार पर चिपकाऊँगा तो हो सकता है मेरी स्टिकर तो फटे ही फटे, साथ में कॉमिक्स भी फाड़ दी जाए। तो इसलिए ये झटका, ये शौक, सॉरी कि उसको क्या, अरे ये रिस्क मैं नहीं लूँगा इसको चिपकाने का कहीं। हाँ कॉमिक्स के अंदर मैं डाल के इसको रख दूँगा, वो एक अलग बात है, क्योंकि फेक कॉमिक्स के अंदर रहेगा तो चलो सेफ भी रहेगा, कभी अपकमिंग टाइम में हो सके तो यूज़ भी कर लेंगे कहीं पे, वो अलग चीज़ है। अभी यहाँ आदि पर्व अपनी पहली, देख सकते हो क्या मतलब मज़ा, कवर देख के और बैक कवर दोनों देख के इसका मज़ा आया था मुझे। बाय संजय गुप्ता जी है यहाँ और पीछे में भी, और ये रहा सर्प सत्र। ना इसमें पन्नी है ना इसमें नॉवेल्टी है, लेकिन कॉमिक बढ़िया भैया, आर्ट वर्क वगैरह अनुपम सिन्हा जी की बहुत मस्त है। अब सर्प सत्र जिन लोगों ने पढ़ लिया है वो सर्प द्वंद का वेट कर रहे हैं, तो सर्प द्वंद उसे क्वार्टर 3 में आना है। क्वार्टर 3 है शायद, कब तक है यार पता नहीं मुझे, क्वार्टर 3 तो वैसे सेप्टेम्बर में एंड हो रहा है। अब अगर सेप्टेम्बर तक में मिले हमें सर्प द्वंद तब ना, क्योंकि मुझे नहीं लगता मिलेगा, डिले होगा, बहुत ज़्यादा डिले होगा सर्प द्वंद, तो मैं ज़्यादा ये नहीं हूँ। क्वार्टर 3 तो एंड हो जाएगा सितंबर में, मैं कुछ नहीं कह सकता इस पर। यहाँ आर्ट वर्क देखो यार मस्त है, और रिक्शे वाले भैया कहाँ चलोगे 30 रुपये में, कहाँ चलोगे, मतलब बहुत मज़ा आएगा देख के पढ़ के। और मैं पढ़ने वाला हूँ भैया, बहुत ज़्यादा पढ़ने वाला हूँ इसको, मतलब अगर एक बार से मन ना पड़े तो 2 बार पढ़ूँगा, लेकिन इसको ज़रूर पढ़ूँगा मैं। ये रहा राज कॉमिक्स में, ये मैं बताऊँ तो ये राज कॉमिक्स में मनोज गुप्ता जी की पेशकश है, और आर्ट वर्क प्लस कलर मेरे को बहुत ज़्यादा शानदार लग रहे हैं यार इसके। मतलब अब यहीं अगर ऐसा ही कॉमिक नागपरले और आदि पर भी हो तो मज़ा आ जाए, लेकिन रिव्यूज़ मेरे को ठीक नहीं दिख रहे इसके कहीं मार्केट में, तो पढ़ने के लिए तो हम लोग पढ़ेंगे ही इसको, रिव्यू आप लोगों तक पहुँचाएँगे इसका। और ये रहा अपना एक स्टीकर और पोस्ट कार्ड, और स्टीकर बहुत बड़ा बिग साइज और नया ये बनवाया गया है, ये पोस्ट कार्ड के लिए या स्टिकर के नया बनवाया गया है, तो वो अलग है। और कवर देखो यार बहुत मस्त है, मतलब नागग्रंथ सीरीज़ है ये। और अगर तुम लोग आदि पर्व ले रहे हो तो मैं कहूँगा तक्षक मकबरा बाय करो जाके कहीं से भी, तब तुम्हें स्टोरी समझ में आएगी, वैसे नहीं आएगी।
तो यहाँ देख सकते हो आर्ट वर्क कैसा है। और मतलब एक थोड़ांगा को देख लो दोस्तों, थोड़ांगा ये ढोगा है अपना नरकनाशक यूनिवर्स का। जैसा मैंने बताया एक यूनिवर्स क्रिएट कर रहे हैं संजय गुप्ता जी नरकनाशक का, उसमें ढोगा होगा, परमाणु होगा, नागराज होगा, ध्रुव होगा, सबको ये होगा। तो इन्जॉय करो यार, लो कॉमिक्स लो, ये पैक्ड है तो मैं इसको खोलूँगा नहीं। और ये रहा स्टीकर, बहुत मस्त है, बहुत मस्त है यार, मज़ा आ रहा है देख के। अब आते हैं नाग प्रलय पर। ये रहा नाग प्रलय अपना, और भैया मज़ा आ गया यार देख के इसको। तो पीछे से तो बहुत शानदार लग रहा है यार, अंदर का आर्ट वर्क कैसा है पता नहीं। फर्स्ट थिंग जो स्नीक पिक्स मैंने देखे है उसमें बसंत पांडा जी के कलर्स मेरे को बहुत ज़्यादा मस्त लगे हैं। ये वही स्टिकर और कार्ड कि अब कॉमिक खोलते भैया, कवर आर्ट अच्छा ही है। अब अंदर के पेजेस देखो, कलर मेरे को बहुत अच्छे लगे इसके, ये ऐड वगैरह है तो इसको पूरा नहीं दिखाएंगे, अब रिव्यू लाएंगे सीधा इसका। ये रहा नाग प्रलय, सर्वसत्र और आदि पर। जी हाँ दोस्तों, ये उसके नॉवेल्टी आइटम्स। तो आज के वीडियो में बस इतना ही दोस्तों, मिलते हैं कल और किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।